हेलो स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पार्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी आदि के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं यहाँ पर इम्पार्टेंट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन किस अवस्था में विद्यमान रहता है तो हीमोग्लोबिन में आयरन ए अवस्था में विद्यमान रहता है नेक्स्ट यहाँ पर है कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है तो ये 33 से 34 परसेंट तक होता है लाल रक्त कणिकाओं में मतलब आर में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 33 से 34 परसेंट तक ये होता है नेक्स्ट पॉइंट है विच मालिक्यूल हैज़ बोध एल्फा वन फोर एंड एल्फा वन सिक्स लिंकेजेस मतलब कौन सा मालिक्यूल है ह्च मालिक्यूल हैज़ कौन सा मालिक्यूल है जिसमें दोनों एल्फा वन फोर और एल्फा वन सिक्स लिंकेज प्रेजेंट होता है तो एमाइलोपेक्टिन है नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ आर इनहिबिटेड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को किसके द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है तो वो है एपसिसिक एसिड सार्ट में इसे हम ए बी ए बोलते हैं एपसीसिक एसिड एपसिक एसिड नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग इज प्लांट हार्मोन है जो रिस्पांसिबल है कहे के लिए बोल्टिंग के लिए तो वो है जी ए गिब्रेलिक एसिड मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म मोस्ट मोबाइल कौन ज्यादा चलायमान है प्लांट मेटाबॉलिज्म में तो वो है फास्फोरस विटामिन डी इज डेराइव्ड नेचुरली फ्रॉम विटामिन डी नेचुरली डेराइव्ड किससे किया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल से होता है जेंथियम कैसा है तो जैनथियम सार्ट डे प्लांट है जैनथियम जो है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है नेक्स्ट है द पाथवे दैट कन्वर्ट्स फैट विद कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा पाथवे है जो कन्वर्ट करता है फैट को फैट विद कार्बोहाइड्रेट्स में तो वो पाथवे का नाम है ग्लाई ऑक्जीलेट साइकल ग्लाई साइकिल जो होता है वो फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है इलेक्ट्रॉन फ्लो इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द रेस्पाइरेट्री चेन कैन बी ब्लॉक्ड बाई इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को साइटोक्रोम में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में इलेक्ट्रॉन फ्लो इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द रेस्पायरेटरी चैन चैन भी ब्लॉक्ड रेस्पिरेटरी चैन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक किया जा सकता है किसके द्वारा तो साइनाइड के द्वारा व्हाट विल बी द आरक्यू ऑफ ओपेंसिया इन डे टाइम तो डे टाइम में ओपेंसिया का आरक्यू होता है 1.33 क्लोरोसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोसिस जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी कारण होता है हरीमहीनता किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण होता है रिमूव्स H2O2 H2O2 को रिमूव्स कौन करता है तो पेराक्सीसोम्स मैक्सिमम सार्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स मैक्सिमम सार्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब अधिकतम सार्ट होना और मोटा होना क्रोमोसोम का किस अवस्था में होता है तो डिप्लोटीन अवस्था में होता है द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इस ट्वेंटी मेज में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी हैं तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन ए सेल एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस तो माइटोसिस के मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे फोर्टी डबल हो जाते हैं ट्वेंटी हैं तो फोर्टी हो जाएंगे इस्फैरोसोम्स हैसोम्स हाफ यूनिट मेब्रेन को रखती है मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी गाल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है तो ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का ग्लाइकोसाइडेशन ये गाल्जी बॉडी का मेन फंक्शन है ट्रिप्टोफैन में कितने जेनेटिक कोड होते हैं तो वन जेनेटिक कोड होते हैं ट्रिप्टोफैन में एलेनिन में कितने जेनेटिक कोड होते हैं तो फोर जेनेटिक कोड एलेनिन में होते हैं टायरोसिन में कितने जेनेटिक कोड होते हैं तो टू जेनेटिक कोड टायरोसिन में होते हैं फेनिल एलनिन में कितने जेनेटिक कोड होते हैं टू जेनेटिक कोड फेनिल एलेनिन में होंगे नेक्स्ट है लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे कम संख्या में क्रोमोसोम किसमें मिलते हैं तो हैप्लोपैप ग्रेसलिस में मिलते हैं जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू होते हैं हेक्साप्लॉइड व्हीट बीन इवॉल्व एज ए रिजल्ट ऑफ हेक्साप्लॉइड व्हीट जो होता है वो विकसित है किसका परिणाम किसके परिणाम स्वरूप ये विकसित हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाई डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमोसोम के डबलिंग द्वारा इसका संकरण हुआ है और उसी से ये डेवलप हुआ है इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग कोडिंग इज को क्या कहते हैं एक्सॉन कहते हैं नॉन कोडिंग को क्या कहते हैं इंट्रॉन्स कहेंगे द ऑर्गन ऑफ कार्टी इज लोकेटेड इन कार्टाई का जो ऑर्गन होता है वो कहा लोकेटेड होता है तो ऑफ़ द इनर ईयर कर्ण के इंतरिक पर लोकेटेड होता है द आर्गन ऑफ कोरटाई इज लोकेटेड बिटवीन किसके बीच में ये आर्गन ऑफ कोरटाई होता है तो वेस्टिबुलर डक्ट एंड टिम्पैनिक डक्ट के बीच में नेक्स्ट है द आर्गन ऑफ कोर्टाई इज कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है तो मिचैनो सेंसरी सेल्स से बना होता है मेचैनो सेंसरी सेल्स या इन्हें हम हेयर सेल्स भी कहते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है पोटेशियम रिच फ्लूड कौन सा होता है तो एंडोलिम्फ जो होगा वो पोटेशियम रिच फ्लूड होगा और पोटेशियम पुअर फ्लूड कौन सा होता है तो जो पेरी होगा वो पोटेशियम पुअर फ्लूड होगा फंक्शन ऑफ आर्गन ऑफ कोर्टी आर्गन ऑफ कार्टाई का फंक्शन क्या होता है तो ऑडिटरी ट्रांसडक्शन ऑडिटरी ट्रांसडक्शन ये अर्गन ऑफ कोर का फंक्शन है इन ही नॉर्मल किडनी कॉन्टें एक नॉर्मल किडनी में मनुष्य में कितने कितनेस होते हैं तो ये ये आठ लाख से आठ लाख से ये वन पॉइंट फाइव मिलियन निफ्रांस होते हैं आठ लाख से वन पॉइंट फाइव मिलियन नेफ्रांस होते हैं